बड़की की आरती कर देती हूँ, वो गंगा मैया की पूजा करने जाने वाली है। अरे ये अगरबत्ती काहे लेकर आ गई है, हैं? पता है ना हमारी बड़की को जरा से धुएं से धसक आ जाती है, चल लेकर जा इसे। बड़की चुटकी, खुश रहना बस, और कुछ नहीं मांगते मैं तुमसे। चल नैनू, बस में सो जाएगी। इन्हें टीबी हुआ है, तपेदिक। हमने कहा था ना कि हमारे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। माई, इसमें इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सही समय पर इलाज शुरू हो जाता है तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। मैं कुछ दवाइयां शुरू कर देता हूं। ये दे दीजिएगा इन्हें, ये थोड़ी महंगी है पर। डॉक्टर साहब, कोनो बात नहीं, पैसा है अब हमारे पास। हाँ तो ठीक है, बाहर से दवाइयां ले लीजिएगा, ये कुछ 7,000 में आ जाएंगी। दर्पण? हाँ, और फिर आपकी नैनो द सुपरवुमन कूद पड़े मैदान में सबके खिलाफ। मुझे लग रहा था कभी वापस मुंबई आ पाऊंगे या नहीं। पगलेट, ऐसे नहीं बोलते। नैनू, तुम पवित्रा को ढूंढने कहां कहां जाती हो, हमने कभी तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन अगर अपनी जान ऐसे आफत में डालोगी तो हमारी जान निकल जाएगी, समझी की समझाएं। बेटा ये गांव की प्रथाएं बहुत कट्टर होती हैं, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता। अरे हम तो खुद इतने सालों तक उलूल जुलूल बातें मानते रहे, ये तो तुम्हारी माँ ने आके सबके ख्याल बदले थे। मैं भी अपनी मामा की बेटी हूँ और मैं भी ये सब कुछ बदलना चाहती हूँ, पर आपको पता है मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था और वहाँ ऐसी कोई भी प्रथा मेंशन नहीं थी। जो चीज़ ऐसे छुप छुप के होती है ना,
वहां पे जरूर कुछ गलत होता है, और जहां कुछ गलत होता है वहां नैनो दी वंडर वुमन पहुंच जाती है ठीक करने। आप चिंता मत करो, अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं वापस कोशीपुर जा पाऊं, और तब तक इस प्रथा के बारे में ढूंढने के लिए ना मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। एनीवे या देव, देव नहीं सेम, नहीं नहीं वो नहीं, मेरा फ्रेंड है ना देवार्थ जो सोशल वर्कर है, वो ऐसे इंटीरियर विलेजेस में जाके काम करता है, आई एम श्योर उसको इस प्रथा के बारे में पता होगा। बोलो बिना डरे बोलो, क्या बात है? देखो बड़की, गंगा मैया ने तुम्हें चुना है और तुम्हारी मदद करके गंगा मैया हमें भी आशीर्वाद ही देंगी। ठाकुर साहब, हमें पता है हमरे जाने के बाद आप हमरे परिवार को बिला नागा 5,000 रुपया देंगे, पर वो कहा है कि माई का इलाज कराएगा है, उके वास्ते पैसों की जरूरत है अभी। तो मिलने वाले पैसों में से उधार मिल जाता तो देखो बड़की, पैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, पर हमारे मन में एक शंका है। अगर तुम पैसा लेकर भाग गई तो हमारी प्रथा टूट जाएगी, रस में विघ्न आ जाएगा और गंगा मैया नाराज हो जाएंगी। ठाकुर साहब, हम हाथ जोड़ते, आप ऐसा सख्त मत कीजिए हम पर, हम माई की कसम खा के कहते हम पैसा लेकर नहीं भागेंगे। चलो ठीक है, दिए पैसे, पर हमारी एक शर्त है, तर्पण के दिन तक तुम रोज हमारी हवेली में आकर काम करोगी ताकि हमें पता रहे कि तुम यही हो, कहीं भागी नहीं। हम जरूर करेंगे ठाकुर साहब, आपने हमारी बात मानकर हम पे इतनी दया दिखाई है, देवता है हमारे लिए। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, आज के जमाने में एक आदमी इंसान ही बन जाए तो बहुत है। इतने ऊंचे विचार है आपके, ये गांव धन्य है कि आप ये गांव के ठाकुर हैं। ले लो। गिन लो। ये कैसी बात करे ठाकुर साहब, आप पे विश्वास करना मतलब सूरज से पूछना कि रोशनी दोगे या नहीं। शुक्रिया ठाकुर साहब। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस चुनरी को पहनकर कजरी विदा हुई थी वो यही है? हाँ ठाकुर साहब, कचरी ई चुनरी पहनकर विदा हुई थी आश्रम के लिए, ई चुनरी हमने योगा पहनाई थी।